चलिए बेटा आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर नंबर 4, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जिसका मतलब क्या था कि कुछ पार्टनर्स हैं और आपस में जब वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगी। एग्जाम्पल के तौर पे 4 पार्टनर्स हैं, इनका कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है और ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करना चाहते हैं, तो चेंज करने की वजह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या क्या चेंजेस आएगा और उसको हम कैसे सेटल करेंगे, इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कि डायरेक्टली सिर्फ एक चीज हमने पढ़ी थी कि अगर वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तो इन फ्यूचर किसको प्रॉफिट या लॉस हो सकता है, हमने ये चीज पढ़ी थी। यानी कि हमने गेनिंग रेशियो निकाला था और सेक्रीफाइसिंग, कि फ्यूचर में किसको गेन होने वाला है और किसको सेक्रीफाइस होने वाला है। आज उस रेशियो को थोड़ा सा यूज करेंगे और उसको हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, अच्छा आज का टॉपिक हमारा क्या है, सेकेंड टॉपिक है आज हमारा गुडविल। ठीक है बेटा, गुडविल 2 तरीके से हमारे पास आएंगी जिसकी हमें ट्रीटमेंट करनी होगी। कौन कौन सी 2 गुडविल होगी, एक होगी हमारी वैल्यूड गुडविल और न्यू गुडविल। कैसे आएगा वो क्वेश्चन के साथ देखेंगे, टॉपिक को समझाने के लिए ये दो नाम मैंने लिखे हैं। एक तो वैल्यूड गुडविल क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ आएगा आपके पास। ठीक है, वैल्यूड गुडविल का मतलब है कि आज के टाइम पे अगर हम अपनी फर्म की गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो हमारी फर्म की गुडविल कितनी है। ठीक है, उसका अमाउंट क्या है गुडविल का। एक होती है हमारी ओल्ड गुडविल। ओल्ड गुडविल का मतलब क्या होता है कि जो गुडविल है पहले से हमारी किताबों के अंदर कितनी लिखी हुई है। यानी कि अगर हमारी कोई परचेज गुडविल है तो हमने उसको गुडविल को नोट कर रखा होगा अपनी बुक्स में और वो गुडविल कितनी है। ठीक है, एक बात याद रखना, AS 26 यानी कि अकाउंटिंग 26 ये बोलता है, वो इंटेंजिबल एसेट्स के रिगार्डिंग होता है। गुडविल हमारा इंटेंजिबल एसेट्स है तो उसमें लिखा हुआ है कि गुडविल किताबों में सिर्फ तभी लिखी जाती है अगर वो परचेज्ड है। तो अगर आपने कोई फर्म परचेज करी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, और उसके में गुडविल के आपने अगर पैसे दिए हैं तो आपको गुडविल की नोटिंग करनी पड़ेगी कॉपी पे और आप उसको जल्दी से जल्दी राइट ऑफ करना होगा। ठीक है, ये सब चीजें बाद में हम सीखेंगे, सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक है वैल्यूड गुडविल। ठीक है, ये होता क्या है और कैसे कैलकुलेट होगा उस सब चीज के, देखो कैलकुलेशन आपको पता है लेकिन उसको जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे तो कई बच्चे वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, मोर देन हाफ स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है। हाँ, उनको बस कैलकुलेशन आती है लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है। ठीक है, तो पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, एक एग्जाम्पल लेंगे, उस एग्जाम्पल का पूरा मैं लिंक बैठाऊंगा किसके ऊपर, गुडविल के ऊपर, सो देट कि आपको इजिली चीजें समझ में आ जाए। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। एग्जाम्पल के तौर पे हम मान के चल लेते हैं कि ये एक प्लॉट ऑफ लैंड है। ठीक है, बड़ा प्लॉट है और इसके अंदर ये छोटे छोटे कई सारे प्लॉट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, चलिए हम मान लेते हैं 8। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये एक बड़ा प्लॉट है और उस प्लॉट के ऊपर ये छोटे छोटे कई सारे, मतलब मैं मान लेता हूं कि ये 800 गज का पूरा प्लॉट है जिसके अंदर ये 100 गज के 8 प्लॉट है। ठीक है, अच्छा ये 8 प्लॉट जो है, मान लीजिए कि आप और मैं, हम दो फ्रेंड्स हैं और हमने क्या करा, हम गए इस प्लॉट को खरीदने के लिए। आपके पास अच्छे पैसे थे, आपने अच्छा पैसा लगाया, मेरे पास थोड़े पैसे कम थे, मैंने थोड़े कम पैसे लगाए। आपके पास ज्यादा पैसे थे तो आप इसके अंदर ज्यादा शेयर परचेज कर सकते हो, मेरे पास कम पैसे हैं तो मैंने थोड़ा कम शेयर परचेज करा। कितना कितना, एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं कि आपने ये पांच प्लॉट तो आपने परचेज करे और ये 3 प्लॉट मैंने परचेज करे। याद रखना ये 5 आपके हैं, ठीक है, 5, और ये 3 मेरे प्लॉट है। ठीक है, हमने खाली प्लॉट खरीदा था, 1-2 साल के अंदर इसके अंदर हमने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करा और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करके इंडिविजुअली हमने कंस्ट्रक्शन करा, इसका अलग इसका अलग इसका अलग, ये नहीं कि एक साथ पूरे 500 गज के ऊपर आपने कोई घर बनवाया, आपने 100-100 गज के 5 घर बनवाए और मैंने भी 100-100 गज के 3 घर बनवाए और उन सबको हमने रेंट पे चढ़ा दिया। ठीक है, अब मान लीजिए कि कुछ टाइम बीता, 8-10 साल हो गए, सारे प्लॉट चढ़ गए हैं किराए पे और सबसे रेंट रिसीव हो रहा है। हम मान के चलते हैं कि एक प्लॉट से 10,000 रुपए का रेंट रिसीव हो रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग। ठीक है, क्या एक प्लॉट से 10,000 रुपए का रेंट रिसीव हो रहा है। सेकंड थिंग मैं आपको बता देता हूं, इस प्लॉट को खरीदने की प्लस उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने की जो टोटल कीमत बैठी है, एक प्लॉट की मैं बात कर रहा हूं इंडिविजुअल,
इंडिविजुअल की बैठी है 15 लाख, ठीक है, 15 लाख रुपए लगे हैं एक प्लॉट के ऊपर, तो 15 लाख इनटू 5 कर दोगे तो आपका टोटल पैसा इतना इन्वेस्ट हुआ है, और मेरा टोटल पैसा कितना हुआ है 15 लाख इनटू 3 यानी कि 45 तो मेरा हो जाएगा और नियर अबाउट आपका कितना हो जाएगा 75 लाख, यानी कि आपने टोटल जो है इस टोटल के ऊपर आपने 75 लाख रुपए खर्च करे हैं और मैंने इस प्लॉट के ऊपर कितना 45 लाख रुपीज खर्च करे हैं, ठीक है। अब बात समझते रहना, 75 लाख रुपए आपने लगाए और उसके ऊपर आपको 10, 10, 10, 10 और 10 आपको कितना रेंट रिसीव हो रहा है, आपको जो इनकम रिसीव हो रही है वो हो रही है 10,000 × 5 यानी कि 50,000। मुझे कितनी इनकम रिसीव हो रही है 10,000 × 3 यानी कि 30,000। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, है ना। आपको जितना अच्छे से ये समझ में आएगा गुडविल का कॉन्सेप्ट उतनी इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा अब एक बात बताइए, हम दोनों आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, अब मुझे लग रहा है कि यार मुझे बहुत कम शेयर मिल रहा है, ठीक है, अब मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि यार फ्रेंड ज्यादा कमा रहे हैं मैं थोड़ा कम कमा रहा हूँ, ठीक है, मे बी आप मेरे को गलत ले लेंगे, आप बताओ कैसा दोस्त है, दोस्त ज्यादा कमा रहा है तो भी परेशानी हो रही है ना, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत जेलस मेरे को हो रहा है, तो आप बहुत अच्छे नेचर के हैं, आपने क्या कहा, आपने कहा चल कोई बात नहीं एक काम कर कि एक प्लॉट जो है ना मेरा तू ले ले, लेकिन हाँ क्या आप फ्री में वो देंगे मेरे को प्लॉट, आपकी अच्छी भली इनकम हो रही है, आप इनकम देने के लिए तैयार हो गए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी आपकी और मेरी, लेकिन क्या आप वो फ्री में देंगे, आप कभी भी वो चीज मुझे फ्री में नहीं देंगे, इस बात को बहुत ध्यान से समझना। 10 साल हो गए हैं प्लॉट बनके तैयार हो चुका है हमारा और 10 सालों से रेंट पे ये जा रहा है और हमसे रेंट मिले जा रहा है, पिछले 10 साल से हम इस पे रेंट अर्न कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आज मैं अब आप लोगों से क्या कहूंगा कि भाई यार मेरे को आपको तो ज्यादा प्रॉफिट होता है मेरे को कम होता है, मैं चाहता हूं कि आप मुझे एक प्लॉट दे दो सो दैट कि दोनों को इक्वल ही क्या कहते हैं कि इनकम रिसीव होने लग जाएगी, ठीक है, आप इस बात के लिए तैयार हो जाओगे, लेकिन आप क्या कहोगे कि ठीक है भाई अगर तेरे को भी इक्वल वो चाहिए तो आप एक काम करो इतना जो प्लॉट है ना आप वो हमसे परचेज कर लो, तो आपके पास 3 प्लॉट है, 4 आपके पास हो जाएंगे, 4 मेरे पास हो जाएंगे, दोनों 40,000 आराम से कमा लेंगे, ठीक है। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, 10 साल पहले जब ये प्लॉट बन के तैयार हुआ था तो इंडिविजुअल प्लॉट 15 लाख में तैयार होगा होगा, 10 साल के बाद जब हम उसकी कीमत निकालेंगे उसकी वैल्यूएशन करेंगे तो क्या अभी भी वो 15 लाख का ही होगा, ठीक है, क्या आज भी उसकी कीमत 15 लाख होगी, नहीं, डे बाय डे प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ती है, ठीक है। आपने सुना भी होगा कि लैंड के ऊपर और बिल्डिंग के ऊपर कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, आपने जो पढ़ा है बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन, ठीक है, नॉर्मली लैंड के ऊपर कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगता, बिल्डिंग का मतलब होता है उसके ऊपर के स्ट्रक्चर का डेप्रिसिएशन, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं, अब इसमें क्या हुआ कि आप क्या करोगे 15 लाख मुझसे ना चार्ज करके आप मेरे से कुछ एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करोगे, कितना, अब उस दिन की वैल्यूएशन की जाएगी कि हाँ उस दिन क्या रेट चल रहे हैं, उस रेट के हिसाब से आप मेरे से पैसे चार्ज करोगे। मैं मान लेता हूं कि रेट चल रहे हैं कितना 20 लाख रुपए, एक प्लॉट की कीमत चल रही है 20 लाख रुपए, तो अब आप एक प्लॉट, ये एक इंडिविजुअल प्लॉट मुझे देने के लिए, ठीक है, मैं इस पे थोड़ा सा मार्क कर देता हूं, ये वाला प्लॉट अब मुझे रिसीव होगा, आप मुझे सेल कर रहे हो तो आप मुझे कितने में सेल करोगे, आप मुझे सेल करोगे इसको 20 लाख रुपए में, ठीक है बेटा। अब जब हम गुडविल भी पढ़ेंगे तो गुडविल के अंदर भी सेम यही ट्रीटमेंट होती है, सेम यही क्या ट्रीटमेंट होती है, बीच में एक एक पॉइंट के अंदर हम अभी करेंगे जब क्वेश्चंस, तो एक एक पॉइंट के अंदर मैं आप लोगों को बताता रहूंगा साथ के साथ और इस चीज से मैं लिंक कराता रहूंगा, ठीक है। अब एक बात आपको समझ में आ गई होगी यहां तक, क्या कि अगर मान लीजिए कोई चीज जब हमने स्टार्ट करी अगर आपने ज्यादा इन्वेस्ट कर लिया है तो डेफिनेटली आपको ज्यादा प्रॉफिट गेन होगा और आपको ज्यादा प्रॉफिट गेन होगा, और मैंने अगर कम पैसा इन्वेस्ट करा है तो मुझे थोड़ा कम होगा, लेकिन इन फ्यूचर जाने के बाद फ्यूचर में अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे अभी बराबर का हिस्सा चाहिए तो वो हिस्सा आपको एक बात समझ में आ गई होगी, वो हिस्सा मुझे फ्री में नहीं मिलेगा, उस हिस्से को मुझे खरीदना पड़ेगा सो दैट कि मुझे भी इक्वली इनकम गेन हो। आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, ध्यान से सुनना, इसी के अंदर मैं आपको समझा देता हूं बेटा। फ्यूचर के अंदर, फ्यूचर में अब क्या होगा, आपके 5 प्लॉट थे अब आपके पास 4 प्लॉट रह जाएंगे, अब आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा नहीं, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, इन फ्यूचर
आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा या नहीं सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आप खुद इस बात को सोचिए। तो आपका आंसर होगा हाँ सर, हमें फ्यूचर में अब सेक्रीफाइस करना होगा। क्यों? क्योंकि अभी तक हमें 10,000 के हिसाब से रेंट मिल रहा था, लेकिन अब हमें खाली 4 प्लॉट पे 10,000 के हिसाब से 40,000 की इनकम होगी। तो फ्यूचर में सेक्रीफाइस करने के लिए क्या आप फ्री में सेक्रीफाइस करोगे? नहीं, वो सेक्रीफाइस जो आप फ्यूचर में करोगे आज उसके लिए आप मेरे से पैसे चार्ज करोगे, ठीक है ना। अब मैं सिर्फ चीज को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, इसी को मैंने बिल्डिंग के ऊपर बताया। अगर ये बिल्डिंग ना होके किसी फर्म का अगर शेयर होता, किसी कंपनी का अगर शेयर होता या फर्म का कोई शेयर होता, प्रॉफिट का ये शेयर होता, तो इसको हम गुडविल के नाम से जानते, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 100% गुडविल समझ में आ गया, अभी गुडविल में मैं ये फिर से सारी चीज एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन बस एक लिंक मैं बैठा रहा हूं। आप यहां से बिल्डिंग गायब करो और इसे मान लीजिए कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है कितना, 5:3, और अब मैं ये चाहता हूं कि हमारा रेशियो इक्वल हो जाए, ठीक है। आपको सारा लॉजिक क्लियर हो जाएगा, और उसको और ज्यादा क्लियर करने के लिए इसको मैं रब नहीं करता हूं, इसे हमें यहां पे डब्बे के अंदर सेव कर लिया, ठीक है। यहां पे आते हैं और कैलकुलेशन सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं बनाता हूं, क्वेश्चन के हिसाब से हम करना शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए एक रफ क्वेश्चन है, ए और बी, ठीक है, सॉरी ए और बी दो पार्टनर्स हैं, ए और बी, इनका आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3। बस आप क्वेश्चन के ऊपर फोकस कीजिएगा, आपको सारी बात समझ में आएगी। ए और बी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है क्या, 5:3, लेकिन ये इनका ओल्ड रेशियो है, और अब इन्होंने डिसाइड करा है कि इनका जो फ्यूचर रेशियो होगा, इनका जो फ्यूचर रेशियो होगा वो होगा 1:1। अब आप इसे चाहे 4:4 बोलो या 1:1 बोलो, बात एक ही है। क्यों भाई? प्रॉफिट के 4:4 अगर आप बोल रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि प्रॉफिट के 8 हिस्से बनाओ, 4 ये लेगा 4 ये लेगा, और अगर 1:1 बताते हो तो यानी कि प्रॉफिट के खाली 2 शेयर बनाओ, ठीक है। कुछ एक बच्चों को कंफ्यूजन रहती है तो उनके लिए मैं बता रहा हूं, 1:1 और 4:4 दोनों सेम चीज है, ये है हमारा न्यू रेशियो। अच्छा, एक बात बताइए, सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में कैलकुलेशन सीखी थी सेक्रीफाइसिंग रेशियो, इसके अंदर सबसे पहले आपको एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, किसकी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो की। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, आपको अच्छे से फॉर्मूला याद होगा, किस किस का निकालना है हमें, ए का और बी का। ए का ओल्ड रेशियो कितना है, ए का है 5:8 माइनस माइनस, न्यू रेशियो क्या है, 1:2 और 1:2। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, बेस क्या कितना आ जाएगा, 8:5 माइनस, इसको 8 बनाने के लिए 2 को 4 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करा है, 2 को 8 बनाने के लिए 4 से, तो 1 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 यहां पे आ गया, 8:3 इसको 4 से करा, इसको भी 4 से, यहां पे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1:8, और यहां पे आ जाएगा माइनस का 1:8। अच्छा, आप लोगों को अच्छे से एक बात पता है, क्या सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे तो जो नॉर्मल होगा वो हो जाएगा हमारा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और जिसका आंसर नेगेटिव आएगा वो हो जाएगा हमारा गेनिंग पार्टनर। आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई। बेटा, मैंने सिर्फ अभी रेशियो निकाला है, अब मैं आपको एक एडिशनल बात इसके अंदर बताता हूं और क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज जब हमने इन दोनों की फर्म की वैल्यूएशन करी, ठीक है, इन दोनों के फर्म की जब मैंने वैल्यूएशन करी तो इनकी वैल्यूएशन की कीमत निकल के आई कितनी, इनकी वैल्यूएशन की कीमत निकल के आ गई 80,000 रुपए। मैं मान के चल लेता हूं 80,000 की इनकी वैल्यूएशन आई है, यानी कि इन दोनों की, जो दोनों की फर्म है, फर्म जो ये रन कर रहे हैं। आज हमने कहा कि ठीक है, आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करोगे तो गुडविल की जो कैलकुलेशन की जाती है, एक बात याद रखना, एक नंबर का बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुडविल हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, या फिर नया पार्टनर अगर कोई आता है तो क्यों किया जाता है। बेटा, गुडविल का मतलब ही होता है प्रॉफिट, जितनी ज्यादा गुडविल उतना ज्यादा प्रॉफिट, ठीक है। तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। अगर फर्म की गुडविल है टोटल कितनी, 80,000, तो 80,000 में से अब ए को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है 1:8, ठीक है। फर्म की गुडविल कितनी है, 80,000 रुपए, मैं एग्जांपल मान के चल रहा हूं कि फर्म की गुडविल है 80,000 रुपए, तो इसके अंदर ए का शेयर कितना है, 1:8, उसको ए इन फ्यूचर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सेक्रीफाइस क्या वो फ्री में करेगा, बिल्कुल नहीं, जितना भी उसका शेयर बनेगा,
ठीक है, उसको वो क्या कहेगा कि 80,000 की गुडविल है, मेरे को 1/8 का क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस, तो इतने पैसे मुझे आप दे दो, फिर फ्यूचर में जितना भी प्रॉफिट होता रहेगा आप उसको आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट करते रहना, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक जनरल एंट्री पास करते हैं, कौन सी जनरल एंट्री पास करते हैं, यहाँ पे जनरल एंट्री पास की जाती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, याद रखना इस चीज को, याद कर लेना आप लोग, समझाने को मैं अभी समझा देता हूं, क्या गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट को हमेशा डेबिट किया जाएगा और सेक्रीफाइसिंग को हमेशा क्रेडिट किया जाएगा। ऐसा क्यों करते हैं, पहले एंट्री पास करते हैं और उसके बाद समझते हैं। गेनिंग टू सेक्रीफाइस मैंने आपको बताया, गेन कौन कर रहा है, गेन कर रहा है बी, तो यहां पर आ जाएगा बीस कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू इज कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, कितना 80,000 की गुडविल थी जिसमें से 1/8 हमें करना है, यानी कि 8,000, 80,000 की गुडविल थी जिसमें से 1/8 हमें करना है, दैट इज 8,000। अब ध्यान से समझना आपने, मैंने क्या करा, मैंने लिखा 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, इसका मतलब क्या है, देखो बी के अकाउंट को मैंने डेबिट करा है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करने का मतलब है उसके अकाउंट से पैसे काटना, ठीक है। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है क्रेडिट, अगर आप उसको डेबिट करोगे इट मीन्स आप उसके अकाउंट से पैसे काट रहे हो, और अगर आप उसको क्रेडिट कर रहे हो इट मीन्स उसके अकाउंट में पैसे ऐड कर रहे हो। तो मैंने बी के अकाउंट से पैसे काटे, क्यों काटे, क्योंकि फ्यूचर में उसको जो गेन होगा आज उसको उतना कंपनसेट करना पड़ेगा, यानी पैसा देना पड़ेगा। देखिए बी का आ रहा है ना गेन, तो बी के अकाउंट को मैंने डेबिट करके उसके अकाउंट से पैसे काट लिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड में क्या आ जाएगा, ए कैपिटल अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। क्रेडिट क्यों करेंगे, क्योंकि फ्यूचर में अब इसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अब इसको प्रॉफिट थोड़ा कम होगा, थोड़ा कम होगा तो क्या ये फ्री में मानेगा, नहीं, इसको पैसा चाहिए होगा। किस बात का पैसा, इसे ये कहेगा, ए कहेगा कि अगर आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट चाहिए तो वो प्रॉफिट आपको खरीदना पड़ेगा। ए ने क्या कहा बी से, ए ने कहा अगर फ्यूचर में आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट चाहिए तो वो प्रॉफिट आपको फ्री में नहीं मिलेगा, वो प्रॉफिट आपको खरीदना पड़ेगा, और खरीदने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट आपको चाहिए उतना शेयर गुडविल का परचेस करना पड़ेगा। तो गुडविल का शेयर कितना आ जाएगा, गुडविल की कीमत निकल के आ जाएगी 8,000, टोटल गुडविल है 80,000। ये क्या ए जो है पूरा का पूरा गुडविल परचेस करेगा, नहीं नहीं, उसमें से थोड़ा सा पोर्शन परचेस करेगा, भाई थोड़ा बहुत तो पहले से इसके पास था, ये थोड़ा सा और परचेस करेगा, तो 80,000 का ये 1/8 परचेस कर रहा है, तो इसको 8,000 रुपए पे करने पड़ जाएंगे। बात समझ रहे, सॉरी ए के अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, ए को मिलेगा और बी को परचेस करना पड़ेगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर आप ये चाहते हो, चलो चाहते क्या हो, मैं खुद आपको करा देता हूं, क्योंकि वहां से आप रिप्लाई नहीं कर सकते, वन साइडेड टीचिंग है, वन साइडेड कम्युनिकेशन है, ठीक है। मैं सेम चीज को, सेम कॉन्सेप्ट को यहां पे अप्लाई करके आपको समझा देता हूं, ठीक है, इसके ऊपर अप्लाई करके बताता हूं। एक चीज समझना, यहां पे जो गुडविल थी, यहां पे गुडविल की कीमत मैंने मानी थी 80,000 रुपए। गुडविल का मतलब क्या है, मैंने कहा था यहां पे जो प्रॉपर्टी है उसकी कीमत है ना, यहां पे जो प्रॉपर्टी की कीमत है, टोटल प्रॉपर्टी की कीमत कितनी है, बहुत ध्यान से सुनना, पुरानी कीमत थी 15,00,000 रुपए। 15,00,000 क्या थी, पुरानी कीमत थी 15,00,000 क्या था, प्लॉट को खरीदा और उसके ऊपर घर को बनाना, एक प्लॉट को खरीदना और घर बनाने की कीमत आई थी 15,00,000 10 साल पहले। आज जब हम उसे बेचेंगे तो मैंने इसकी कीमत कही थी, आप अज्यूम करके चलो कि 20,00,000 है। अगर एक की कीमत 20,00,000 है तो टोटल टोटल फॉर्म की, टोटल प्लॉट की कितनी कीमत होगी, ठीक है ना। ये गुडविल जो है वो खाली एक पोर्शन की नहीं है, ये टोटल फॉर्म की है। ठीक उसी तरीके से यहां पे जो टोटल है आपका आंसर वही निकल के आएगा। देखो मैं आपको पहले छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, एक बात बताओ, अगर मैं यहां पे एग्जांपल में मैं था, ये आप थे, अगर मैं आपसे ये एक प्लॉट परचेस करना चाहता हूं तो मुझे कितने पैसे पे करने पड़ेंगे। आप लोग कहोगे सर 20,00,000 रुपए। 20,00,000 क्यों, क्योंकि सर 15,00,000 जब खरीदा था तब इसकी वैल्यू थी कि 15,00,000 में खरीदा था और घर बनवा लिया था हमने, दोनों मिलाकर 15,00,000 लगे थे, लेकिन आज इसकी मार्केट में कीमत कितनी है, 20,00,000 रुपए। तो आप 20,00,000 रुपए दे दो और ये प्लॉट ले लो। बात समझ में, आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे मैं बताता हूं बेटा पूरे की कीमत कितनी है, सर 20,00,000 इंटू 8, 20,00,000 इंटू 8 यानी कि 1,60,00,000 रुपए हो जाएगा, ठीक है।
अब 1,60,00,000 को जरा इस सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट के देखो, आपका फिर से वही निकल के आ जाएगा क्या, 20,00,000 निकल के आ जाएगा। एक एंट्री हम यहाँ पे पास कर देते हैं। अच्छा ये आप, अच्छा सॉरी ये मैं हूं, तो मैं को मैं एम लिख देता हूं, ठीक है, और इसको मैं क्या लिख देता हूं, ए फॉर आप हो गए, ठीक है ना। या फिर हम यहाँ पे दूसरा नाम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं टी फॉर टीचर, एस फॉर स्टूडेंट। टी और एस दो पार्टनर्स है, कौन कौन, टी टीचर और स्टूडेंट, है ना। तो मेरा हिस्सा था 3, आपका कितना था, आपका था ये 5, ठीक है। ये देखिए यहां से हमने निकाला है 5:3, ठीक है। 5:3 के हिसाब से अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना निकल के आ जाएगा, इसका निकल के आ जाएगा 1/8 और 1/8, ठीक है। बस एक बात याद रखना, यहाँ पे टी जो है, टी जो है पहले है, यहाँ पे टी जो है वो बाद में है, ठीक है। यानी कि आंसर जो निकल के आ जाएगा वो किस तरीके से निकल के आ जाएगा, यहाँ पे गेनिंग कौन है, यहाँ पे गेनिंग मैं बनूंगा, यानी कि यहाँ पे होएगा टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टू एस कैपिटल अकाउंट। मैं आपको लॉजिक बता देता हूं बेटा, अगर आप इसका गेनिंग सेक्रीफाइस निकालोगे तो रेशियो, जब आप गेनिंग सेक्रीफाइस निकालोगे तो डेफिनेटली मेरा गेन निकल के आएगा। क्यों, पहले मुझे खाली 3 प्रॉपर्टी का रेंट मिल रहा था, अब 4 का भी मिलने लग जाएगा, ठीक है ना। तो मेरा गेन निकल के आएगा और आपका लॉस, क्योंकि फ्यूचर में आपको अब लॉस करना पड़ेगा, तो रेशियो तो ये निकल के आ जाएगा। और 1,60,00,000 का आप 1/8 निकाल के देख लो, वो निकल के आ जाएगा कितना, 20,00,000 रुपए। यानी कि मैं एक काम करूंगा, क्या काम करूंगा, मैं आज आपको 20,00,000 रुपए, ध्यान से सुनना, टी बोले तो टीचर के अकाउंट को डेबिट किया जा रहा है, यानी कि मेरे अकाउंट से पैसा कट रहा है, कितना कट रहा है, 20,00,000 रुपए, और आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, कितना, 20,00,000 रुपए। मेरे अकाउंट से पैसा कटेगा, आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा क्या मुझे हर साल प्रॉफिट अब 20,00,000 का होने लग जाएगा, नहीं नहीं, वो तो मैंने शेयर खरीद लिया आपसे, प्रॉफिट 20,00,000 का नहीं, तो प्रॉफिट तो हमेशा मेरे को हर महीने 10,000 का वही होता रहेगा जो रेंट था हमारा। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। इनकेस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं टी एस गिरवाल सर की बुक के क्वेश्चन को, ठीक है बेटा। रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, अप टू क्वेश्चन नंबर 4 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं बेटा। क्वेश्चन में गिवन है एबीसी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2:1। तीन पार्टनर्स हैं ए बी सी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1, यानी प्रॉफिट के ये 6 हिस्से बनाते हैं, एक पार्टनर 3 हिस्से लेता है, 1, 2 और 1, 1। कह रहे हैं कि विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। अब इन्होंने कहा कि नहीं, अभी बहुत गलत हो रहा है, किसी को बहुत ज्यादा मिल रहा है, किसी को बहुत कम मिल रहा है, आज से हम प्रॉफिट को बराबर बांटेंगे, ठीक है। द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹18,000। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना और समझना, लिखा है गुडविल इज वैल्यूड एट, मैंने यहाँ पे लिखा था ना वैल्यूड एट गुडविल, वैल्यूड गुडविल का मतलब आज इसकी कीमत लगाई गई फॉर्म की, गुडविल की, इनके तीनों के फॉर्म की जो फॉर्म है उसकी गुडविल की जब कैलकुलेशन की गई तो पता चला कि ₹18,000 आज उसकी वैल्यूएशन निकल के आई है। क्या है, गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा दो तरीके से करना है, एक मेथड अभी मैंने आपको बताया, बस एक मिनट का वेट कीजिएगा। इसमें लिखा है गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा जो अभी हमने कैलकुलेशन सीखी थी ना सब की सब, वो सब यही चीज था कि गुडविल को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू हमने एडजस्ट करा था। हमने क्या किसी और को पकड़ा था, हमने क्या कोई गुडविल अकाउंट खोला था, नहीं, हमने कुछ नहीं करा था, एक पार्टनर को डेबिट करा, एक को क्रेडिट करा। ज्यादा पे इंपैक्ट पड़ता तो 2 या 3 पार्टनर को डेबिट करते, 2-3 पार्टनर को क्रेडिट हम कर देते अगर ज्यादा पार्टनर्स होते तो, है ना। हमने कोई पर्टिकुलर अकाउंट नहीं ओपन करा था, पार्टनर्स को ही आपस में डेबिट और क्रेडिट करके काम खत्म कर दिया था। उम्मीद करता हूं आपको बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे लिखा है सेकंड, गुडविल इज रेज्ड एंड राइट ऑफ। कायदे में गुडविल को रेज करना गलत होता है, नहीं करना चाहिए है, ठीक है। लेकिन हाँ, इन केस अगर आपने उसको रेज कर लिया है, ठीक है ना, रेस का मतलब होता है कि गुडविल को किताबों में लिखना, उसकी जर्नल एंट्री पास करना। अगर इन केस आपने ऐसा काम किया है तो आप उसको जल्दी से लिखो और जल्दी से उसको खत्म कर लो। और बेटा ये बात आपको तभी समझ में आएगी जब मैं पहले वाला क्वेश्चन कराऊंगा, सो दैट कि मैं चीजें प्रूव कर पाऊं, ठीक है। अदरवाइज अगर फर्स्ट ऑप्शन नहीं करूंगा तो सेकंड मैं प्रूव नहीं कर पाऊंगा और आपको लॉजिक क्लियर नहीं हो पाएगा। पहले ए टॉपिक करते हैं, ए फिर बी करते हैं यहाँ पे, और दोनों का कंफ्यूजन देखते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इसके अंदर ए बी और सी पार्टनर्स है 3:2:1, इनका न्यू रेशियो है 1:1:1, ओल्ड रेशियो, ये आ गया न्यू रेशियो। अब हम यहां पे क्या करेंगे, यहां पे हम करेंगे
कंप्यूटेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, है ना। कैसे करते हैं हम, फॉर्मूला होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आप लोग साथ के साथ अपनी प्रैक्टिस करते रहना और जब ना समझ में तो देखना, ठीक है ना। ए बी और सी, ठीक है। ओल्ड रेशियो कितना है हमारा, 3/6, 2/6, 1/6, माइनस माइनस माइनस, 1/3, 1/3 एंड 1/3। उम्मीद करता हूं आपको बातें समझ में आ रही होंगी। प्लीज अगर ना समझ में आए आप लोग मैसेज कीजिए, कोई और प्रॉब्लम आता है तो व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। 6, 3-2, 2-2, 1-2, ठीक है। 1/6 हम यहां पे डाल देते हैं 0, ये आ गया माइनस का 1/6। फिर से सेम चीज हम पढ़ेंगे यहां पे, क्या सेम चीज क्या है यहां पे, यहां पे सेम है कि सेक्रीफाइसिंग पढ़ रहे हैं, तो जो नॉर्मल है ये तो हो गया सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और जिसका रिवर्स निकल के आएगा वो हो जाएगा गेन पार्टनर, ठीक है। अच्छा, जर्नल एंट्री हम क्या पास करते हैं, मैं जर्नल एंट्री इसकी यहां पे पास कर देता हूं, ठीक है। यहां पे हम इसकी जर्नल एंट्री पास कर देंगे। एंट्री क्या है, एंट्री हमने सीखी थी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, जो गेनिंग पार्टनर है उसको आप डेबिट कर दीजिए। रीजन क्या है, गेनिंग को क्यों डेबिट हम करेंगे, गेन तो हम क्रेडिट करते हैं, है ना। बच्चों को यहां पे डाउट होता है, बेटा आज के टाइम पे ध्यान से सुनना, जब प्लॉट खरीदने का टाइम आया, मैं जब आपको 20 लाख रुपए दे रहा हूं तो मेरा अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट, मेरा अकाउंट डेबिट होगा 20 लाख से, आपका अकाउंट क्रेडिट होगा 20 लाख से, क्यों, क्योंकि मैं प्लॉट खरीद रहा हूं। ठीक उसी तरीके से फॉर्म के अंदर मैं शेयर परचेज कर रहा हूं, जब मैं शेयर खरीदूंगा तो मेरा अकाउंट डेबिट होगा। हां, मैं हूं कौन, मैं हूं गेनिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर क्यों, क्योंकि फ्यूचर में मुझे गेन होने वाला है। ये जो मैंने रेशियो निकाला है वो क्या है, वो रेशियो ये है कि फ्यूचर में ए को पहले 3 हिस्से मिल रहे थे, अब 1/3 मिलेगा, पहले 1/2 हाफ मिलता था, अब 1/3 मिलेगा, यानी 1/3 मिलेगा। 100 में से अब 33 रुपए मिलेंगे, पहले 100 में से 50 रुपए मिलते थे। तो ये कौन है, ये है सेक्रीफाइसिंग, है ना। तो सेक्रीफाइसिंग को हम क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो अपना हिस्सा बेच रहा है, बेच रहा है तो उसके अकाउंट में पैसा आ रहा है, और आएगा तो हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है। जनरल एंट्री पास करते हैं इसकी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, यानी कि सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू एस कैपिटल अकाउंट। और भाई बी का क्या होगा, अरे भाई बी को तो पहले भी 1/3 मिलता था, यानी कि 60,000 के प्रॉफिट में पहले भी उसका 20,000 का हिस्सा था, और अभी भी 60,000 का प्रॉफिट होगा तो उसे अभी भी 20,000 ही मिलेंगे, तो इसके ऊपर तो कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ा, ना ही ये गेन कर रहा है ना ही ये सेक्रीफाइस कर रहा है, तो इसका एज इट इज रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, यहां पे क्या अमाउंट आ जाएगा, बेटा यहां पे अमाउंट आ जाएगा जो फर्म की गुडविल है, गुडविल की कीमत बताई गई थी 18,000, 18,000 को 1/6 कर दो, दोनों के अकाउंट में 1/6, तो वो तो खाली मेरे को एक बार सॉल्व करना पड़ेगा, ये गया, यहां पे आ जाएगा 3,000 रुपए। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अच्छा, ये जो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, ये हुआ है अभी हमारा सिर्फ ए पार्ट, कौन सा ए पार्ट, ठीक है। ए पार्ट हमने यहां पर फिनिश कर लिया, यहां पर हम स्टार्ट करेंगे पार्ट बी, ठीक है। क्वेश्चन का जो पार्ट बी है वो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनते हैं, क्वेश्चन का पार्ट बी ये कहता है कि आपने गुडविल का अकाउंट खोल, ठीक है। गुडविल का अकाउंट कैसे खोल सकते हैं हम, बहुत ध्यान से सुनना और समझना। बेटा आज हमारी फर्म की जो गुडविल है वो है 18,000 रुपए, बहुत ध्यान से समझना प्लीज। अच्छा, उस 18,000, आज हमारी फर्म की गुडविल है 18,000 रुपए, और आज हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, वो है 3:2:1, ठीक है ना। इस 18,000 के ऊपर अगर मैं इन तीनों का राइट आपसे पूछूं कि इन तीनों का अधिकार कितना कितना है, तो सिंपल सी बात है भाई, ये 18,000 रुपए आज है, यानी कि पीछे जितनी मैंने मेहनत करी थी वो सारा एफर्ट मिला के आज हमने उसकी कीमत निकाली है 18,000 रुपए, और ये जो इन्होंने एफर्ट लगाया था वो 3:2:1 के रेशियो में ही लगाया था, डेफिनेटली, हाँ जी सर, बिल्कुल इसी रेशियो में लगाया था। तो एक काम करो, वो 18,000 का जो क्रेडिट है वो इन तीनों के अकाउंट में डाल दो, और आज एक गुडविल का अकाउंट ओपन कर लो। गुडविल अकाउंट को रेज करने का मतलब होता है गुडविल का एक अकाउंट खोलो, गुडविल अकाउंट को डेबिट कर दो। डेबिट का मतलब क्या होता है, गुडविल एसेट है, एसेट को जब आप नोटिंग करोगे, बुक्स के अंदर नोट करना शुरू करोगे, रेज करोगे, तो डेफिनेटली आपको उसको डेबिट करना पड़ेगा। आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी, टू सी,
अच्छा 18,000 की गुडविल, ठीक है 18,000 की गुडविल, एबीसी का कितना कितना अधिकार है। उन्होंने आज तक 3:2:1 के शेयर में मेहनत करी थी और उसी रेशियो में इन्होंने ये गुडविल जो है कमाई है और इस गुडविल को क्रिएट करा है, तो हम उसी रेशियो में इनके अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं। क्रेडिट का मतलब क्या हो गया, उनके अकाउंट में उसका क्रेडिट दे रहे कि भाई तुमने मेहनत करी थी, तुम्हारा क्रेडिट है, ये लो। कितना कितना आ जाएगा, 9,000, 6,000 and 3,000। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। यहां पे आप नरेशन डाल देना बीइंग गुडविल अकाउंट रेज्ड। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। सेकंड, मैंने क्या बताया था, गुडविल अकाउंट रेज करना थोड़ा गलत होता है। अगर इनकेस आपने रेज कराया तो तुरंत उसको राइट ऑफ कर दो, तुरंत उसको आप खत्म कर दो। अच्छा खत्म कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। गुडविल अकाउंट को आपने डेबिट करा, खत्म करने के लिए क्रेडिट कर दो, भाई डेबिट नेचर है, डेबिट करके आपने उसे क्रिएट कर दिया है ना, लिख दिया उसे अकाउंट्स में। अब आप एक काम करो, क्रेडिट करके उसको फिनिश कर दो। चलिए ठीक है, क्रेडिट करके फिनिश कर देंगे, लेकिन डेबिट किसको करें भाई, एक बात बताओ, डेबिट आप किसको करोगे, पार्टनर्स को करोगे, कौन से पार्टनर को, तीनों पार्टनर को आप डेबिट करोगे। अच्छा किस रेशियो में करेंगे, अच्छा किस रेशियो में करेंगे, बेटा जब ये गुडविल है, आज आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दिया, चेंज कर दिया तो अब इस गुडविल का फ्यूचर में बेनिफिट अब मिलेगा है ना, फ्यूचर में जब इसका बेनिफिट मिलेगा वो किस रेशियो में मिलेगा, 1:1:1 के रेशियो में मिलेगा। तो तीनों को इक्वल रेशियो में, ध्यान से सुनना, गुडविल अकाउंट, अब मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, गुडविल अकाउंट रेज होगा पुराने पार्टनर्स, वर्ड को पकड़ना, मैं अगले तीन चैप्टर तक सेम चीज रिपीट करूंगा, क्या कि गुडविल जब भी रेज होगा पुराने पार्टनर्स में, पुराने रेशियो में, पुराने पार्टनर्स एबीसी, पुराना रेशियो 3:2:1, और जब भी इसको हम राइट ऑफ करेंगे तो नए पार्टनर्स में। सर यहां पे तो नया कोई है नहीं, हाँ बेटा अभी नहीं है, एडमिशन में तो होगा ना, रिटायरमेंट में एक पार्टनर कम तो होगा ना, ठीक है ना, डेथ में एक पार्टनर कम तो होगा ना, तो इसलिए मैंने कहा इस बात को आप यहीं से रट लेना, एक तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर है इसलिए कह रहा हूं रट लेना। पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियोस में हम नोट करेंगे, और जब खत्म करना होगा तो नए पार्टनर्स में नए रेशियो में। यहां पे पुराने और नए पार्टनर्स सेम है, तो खाली हमें रेशियो को पकड़ना है। मैंने पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में रेस कर दिया, फिनिश करने के लिए क्या करूंगा, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट और सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। मैंने ये क्या कर दिया, क्वेश्चन के अंदर लिखा था कि आपको गुडविल अकाउंट ओपन करना है, आप एक बार क्वेश्चन में देख लीजिए, मैं भी देख लेता हूं, कह रहा है कि गुडविल इज रेज एंड राइट ऑफ, ये मैंने रेज करा, ये मैंने राइट ऑफ कर दिया टू गुडविल अकाउंट, कितना 18,000 रुपए मैंने किताबों में लिखी थी और 18,000 रुपए मैंने कैंसिल कर दिए। किस रेशियो में, न्यू रेशियो, कितना कितना अमाउंट, 6,000, 6,000, 6,000, ठीक है बेटा। क्वेश्चन फिनिश हो चुका है लेकिन लॉजिक और कॉन्सेप्ट अभी नहीं फिनिश हुआ है, वो स्टिल अभी 2 मिनट का रह गया है, ठीक है। अब मैं आपको इसके पीछे कॉन्सेप्ट बताता हूं। बेटा आपको क्या लगता है कि इस एंट्री में, यानी कि मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं, इस एंट्री में ये जो मैंने एक एंट्री पास करी है इसके अंदर, और ये जो मैंने दो एंट्री पास करी है इसके अंदर कोई फर्क है, इसके अंदर ये छोटा सा कहते हैं वो भी फर्क नहीं है, दोनों 100% सेम एंट्री है। यहां पे मैंने डायरेक्ट एंट्री पास करी है, यहां पे मैंने गुडविल अकाउंट को ओपन करा और क्लोज करा, प्रूफ करते हैं उसको, ठीक है। एग्जाम के अंदर आपको प्रूफ नहीं करना है, एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन फिनिश हो गया है, मैंने कहा क्वेश्चन फिनिश्ड है लेकिन कॉन्सेप्ट अभी फिनिश नहीं है, उसके लिए एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्या जरा इन दोनों का निचोड़ निकालोगे आप, स्क्वीज इसको करो, करोगे तो क्या होगा भाई, गुडविल को आपने डेबिट करा है और गुडविल को आपने क्रेडिट करा है, हाँ जी, यानी कि गुडविल तो कट गया एक दूसरे से, ये यहां से जाके और ये यहां से जाके कट जाएगा, क्वेश्चन ओवर हो चुका है, मैं पहले बता रहा हूं। अब आप क्वेश्चन में जाके कट मत मार देना कि मैंने कुछ गलत करा हुआ है, मैं सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट अब समझा रहा हूं। अच्छा ए अकाउंट को, ए के कैपिटल अकाउंट को आपने क्रेडिट करा है यहां पे 9,000 से, है ना, 9,000 से आपने क्या करा, क्रेडिट, और यहां पे डेबिट कितने से करा है, आपने डेबिट करा है सिर्फ 6,000 से। यहां पे स्ट्रांग कौन है, यहां पे क्रेडिट स्ट्रांग है या फिर यहां पे डेबिट स्ट्रांग है, आप देख सकते हो क्रेडिट स्ट्रांग है, कितने से स्ट्रांग है भाई, यहां पे 9,000 है, यहां पे 6,000 है, ये स्ट्रांग है 3,000 से, 3,000 ज्यादा क्रेडिट है, है ना। अच्छा मैं इसको जरा यहां पे नीचे लिख लूं, हाँ जी लिख सकते हैं, एक मिनट के लिए समझने के लिए, ए क्रेडिट है 3,000 से स्ट्रांग, है ना। अच्छा सेकंड क्या आता है, बी को देखते हैं, बी को मैंने क्रेडिट कर रखा है 6,000 से और बी को मैंने डेबिट कर रखा है 6,000 रुपए से,
आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। तो ये तो खत्म हो गया, फिनिश हो गया, ये भी यहीं पे फिनिश हो गया, खत्म हो। अच्छा सी का देखते हैं, सी को मैंने क्रेडिट करा है 3000 से और सी को मैंने डेबिट करा है। यहां पे डेबिट स्ट्रांग है, यहां पे डेबिट स्ट्रांग है, यहां पे क्रेडिट स्ट्रांग है, ठीक है। अच्छा कितने से स्ट्रांग है, यहां 3000 है, सी क्रेडिट है 3000 से, सी डेबिट है 6000 से, यहां पे 3000 से स्ट्रांग है। तो मैं यहां पे लिख दूं एक मिनट के लिए, हाँ जी, सी का डेबिट स्ट्रांग है 3000 से। अगर मैं इस बात की अगर एंट्री पास कर दूं तो क्या एंट्री बनेगी, जरा पास करके देखना। यहां पे इसकी एंट्री बन जाएगी, डेबिट को हम पहले लिखते हैं, यहां पे हो जाएगा सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू ए को क्रेडिट करा है, एज कैपिटल अकाउंट। अच्छा अमाउंट कितना है सर, 3000 रुपए का है और 3000 रुपए का है। अच्छा बेटा अगर ये 3000 का है, 3000 का है ये, तो जरा यहां से ऐसे 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 होते हुए यहां पे आना, जरा एंट्री चेक कर, क्या कोई फर्क है? फर्क दोनों में से किसी में कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रेजेंटेशन का डिफरेंस है। आई होप आपको बात समझ में आ गई। आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में सिर्फ इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हम कंप्लीट करेंगे। रिमेनिंग क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से हैं, 6, 7, 8, 9, ठीक है बेटा, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में।